हेलो दोस्तों, वेलकम टू MotorOctane। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा मराज्जो की और इसे कंपेयर करेंगे विद द XUV500। दोनों काफ़ी एक्साइटिंग गाड़ियां हैं मार्केट में और महिंद्रा बायर्स इन दोनों में से एक लेने के लिए कंफ्यूज्ड हैं। आज के सेशन में हम क्लैरिटी देंगे। शुरू करते हैं आज का डिटेल सेशन। दोस्तों, महिंद्रा मराज्जो एक बहुत ही इम्प्रेसिव गाड़ी रही है, जस्ट मार्केट में आई है और काफ़ी जने इसे पसंद करने लगे हैं। अब ये एक MPV, MUV इसे कह सकते हैं। लुक्स इसके शार्क इंस्पायर्ड है, पर काफ़ी जने अग्री करते हैं, कोई नहीं अग्री करता है। बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो इसका फ्रंट जब आप देखेंगे तो इसे एक नया फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है। इस पर आप शैम्पेन गोल्ड देखेंगे रादर देन सिल्वर। इसके बाद इसका जो हेडलैम्प्स है ये काफ़ी बढ़िया दिखती है। ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट एंड काफ़ी अपीलिंग है और ये दूसरी महिंद्रा गाड़ियों से अलग लगती है। साइड प्रोफाइल से जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे ये जाइलो और इनोवा का थोड़ा बहुत मिक्सचर लगता है। एट द सेम टाइम इसके जो अलॉय व्हील्स है ये काफ़ी हद तक शार्क इंस्पायर्ड है। साथ में इसके रियर जो है वो काफ़ी हद तक लॉजी की याद दिलाएगी आपको। जो टेल लैम्प्स है उनका डिज़ाइन जो है शार्क टेल से इंस्पायर्ड है। ओवरऑल स्टाइलिंग डिसेंट है गाड़ी की, पर दूसरी जो महिंद्रा की MUVs आती थी उनसे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और अपीलिंग लगती है। वहीं पे XUV500 को हाल ही में फेसलिफ्ट मिला था और इसका लुक काफ़ी चेंज हो गया है। जब आप इस गाड़ी का फ्रंट एंड देखते हैं तो ये दूसरी XUVs जैसी नहीं लगती है जो पहले थी। इसे नया ग्रिल दे दिया गया है, हेडलैम्प का क्लस्टर चेंज कर दिया गया है, लुक ओवरऑल LED पोजिशनिंग चेंज कर दी गई है इसमें। और किसे ये पसंद आया है किसे नहीं पसंद आया, हमें अभी भी पुरानी XUV का लुक ज़्यादा बेहतरीन लगता है। साइड प्रोफाइल से इस गाड़ी में कुछ अंतर नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसे अब 18 इंच के व्हील्स आते हैं और इसका जो ओवरऑल लुक है वो वैसा ही है। रियर में गाड़ी में अगेन चेंज आया है, टेल लैम्प्स का डिज़ाइन चेंज हो गया है, स्प्लिट टेल लैम्प्स भी दे दिए गए हैं। तो देर हैव बीन माइनर चेंजेस आगे और पीछे, साइड में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है गाड़ी के। अब अगर हम बात करें ऑफ द विनर इन एक्सटीरियर डिज़ाइन, तो दोनों गाड़ी अपनी जगह पे सही है। किसे कुछ पसंद आता है किसे कुछ पसंद आता है, ये चॉइस हम आप पे छोड़ते हैं। वहीं जब हम गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं तो इंटीरियर्स गाड़ी के काफ़ी अलग है दोनों के। एक तरफ है मराज्जो जिसके इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और उसका फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है। अब ये प्रीमियम फील नहीं होता है अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। टच एंड फील भी बहुत अच्छा है। साथ में इसका जब आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे पर्पल कलर के इंसर्ट्स हैं, ये इसे बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। साथ में ग्राफिक्स दिए हुए हैं जैसे इंडिकेटर, तो ये पहली गाड़ी है जिसमें ऐसी चीज़ ऑफर कर दी गई है। अब जब आप इस गाड़ी का सेंटर कंसोल देखते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक टच स्क्रीन सिस्टम है जिसकी क्वालिटी डिसेंट है। लगभग 480p का डिस्प्ले है इसको, एंड्रॉयड ऑटो आता है इसको, रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है, क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है गाड़ी को और नेविगेशन भी उपलब्ध कराया गया है। गाड़ी के डैशबोर्ड पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी दिया हुआ है जो इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है। ओवरऑल गाड़ी की लुक काफ़ी शानदार है एंड इट डज स्टैंड आउट इन द क्राउड। गाड़ी का फ्रंट रो सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी स्पेस ऑफर करते हैं। सेकेंड रो में भी अच्छी स्पेस मिलती है। अब सेकेंड रो जो है, अगर आप M6 और M8 वेरिएंट लेते हैं तब आपको 7-सीटर ऑप्शन ही मिलता है। वहीं पे अगर आप M2 या M4 लेंगे तब आपको 8-सीटर ऑप्शन भी मिलेगा। थर्ड रो सीट्स काफ़ी बढ़िया है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं कम्फर्ट में, और ये चीज़ हमने टेस्ट करके देखी है। बूट स्पेस गाड़ी का इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट इन इट सेगमेंट, बट इस गाड़ी का मेन टॉकिंग पॉइंट है इसका सराउंड कूलिंग। इसका कूलिंग बहुत शानदार है और टॉप माउंटेड इसका AC फर्स्ट इन क्लास है जो आपको साइड से हवा देता है, और साथ में इसमें डिफ्यूज़र भी है जो हवा को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहीं पे इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी बात करें तो वो डिसेंट है और बेहतरीन हो सकता था। केवल 2 एयरबैग्स आते हैं और आपको पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं दिया हुआ है। वहीं पे जब आप XUV500 को देखेंगे तो ये बहुत कूल दिखने वाली गाड़ी है। इसमें आपको भरपूर फीचर्स मिलते हैं, डैशबोर्ड की क्वालिटी डिसेंट है पर थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है।
ओवरऑल टच एंड फील थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन अगर आप लुक की बात करते हैं तो लुक में ये बहुत बढ़िया दिखती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका वही है जो पहले आता था, बेसिक से दो डायल्स है। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपके टच स्क्रीन सिस्टम में दिया हुआ है। टच स्क्रीन सिस्टम की क्वालिटी शानदार है, टच फील रिस्पॉन्स सब कुछ अच्छा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है, नेविगेशन तक है, आपको टायर ट्रॉनिक्स भी दिया हुआ है, यानी कि आपका टायर प्रेशर क्या सही है इस समय वो भी बताता है। क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी में। ओवरऑल गाड़ी का फिट एंड फिनिश इज़ गुड इनफ। आपको इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं टॉप मॉडल में। फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छी ग्रिप ऑफर करते हैं, अच्छा सपोर्ट ऑफर करते हैं। सेकेंड रो सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है और अच्छा सपोर्ट ऑफर करते हैं, लेकिन ख़राब रास्तों पे ये बहुत बम्पी फील होता है। थर्ड रो सीट्स आर ओके, ज़्यादा स्पेस नहीं है पीछे के पैसेंजर्स को और यहाँ पे केवल दो जने ही बैठ सकते हैं आराम से। बूट स्पेस ओके है, नॉट द बेस्ट इन इट सेगमेंट, पर इसकी खासियत है इसकी फ्लैट फोल्डिंग सीट्स। ये सीट्स एकदम फ्लैट फोल्ड हो जाती है और आप अपना बिस्तर भी लगा के सो सकते हैं पीछे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्सिटिलिटी तो ये मराज़ो से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ट्रैवल करने के लिए मराज़ो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। अब बढ़ते हैं टू द इंजन ऑप्शंस। मराज़ो में आपको केवल 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है जो 121 bhp बनाता है, क्लोज टू 300 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है और 6 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं पे XUV में आपको 2.2 लीटर का इंजन आता है जो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ उपलब्ध है। अब परफॉर्मेंस में XUV ज़्यादा बेहतर है फॉर श्योर, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल पैकेज देखते हैं तो वहाँ पे मराज़ो काफ़ी शानदार है, क्योंकि ये अच्छी परफॉर्मेंस देती है, अच्छी माइलेज देती है और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी। यानी कि आप सिटी में चलाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑफन गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। XUV तो हमेशा से शानदार थी, पर मराज़ो की खासियत है उसकी राइड क्वालिटी। ख़राब रास्तों पर चलाएंगे तो आपको गड्ढे कम महसूस होते हैं XUV के मुकाबले। वहीं पे हैंडलिंग में ऑफकोर्स XUV ज़्यादा बेहतरीन है। तो अगर आपको चाहिए एक 7 सीटर गाड़ी जो कंफर्टेबल हो लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने के लिए फॉर अ फैमिली, तो मराज़ो एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। वहीं पे XUV ज़्यादा स्पोर्टी है कंपेयर टू द मराज़ो। अब अगर हमें इन दोनों में से एक विनर बताना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्राइसिंग देख ले मराज़ो तो ये चालू होती है 11 लाख से 16.5-17 लाख तक जाती है ऑन रोड। वहीं पे XUV की चालू होती है प्राइस एट 15 लाख रुपीज़ और जाती है अप टू 20 लाख अगर आप केवल फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन को कंसिडर करें। अब इन दोनों में से अगर एक विनर बताना है तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये प्राइस पॉइंट पे देख रहे हैं जिसमें आपको मराज़ो और XUV का ओवरलैप है, तब मराज़ो एक ज़्यादा बेहतरीन पैकेज बन जाती है। वरना XUV इज़ एन एक्सेलेंट चॉइस और उसका W11 ऑप्शन इज़ द बेस्ट पिक। अगर आपकी प्राइसिंग लिमिटेड है तो मराज़ो M8 बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप कोई और उसी गाड़ी का कंपैरिजन जानना चाहते हैं या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए टू द MotorOctane YouTube चैनल और हमें फॉलो कीजिए Instagram पे भी, तो उसके डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ने वाले आपके लिए। टेक केयर गाइस, ड्राइव सेफ, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।